हेलो फ्रेंड्स, आपने डलगोना कॉफ़ी तो ज़रूर पी होगी, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ डलगोना लस्सी। आप इसे बिना क्रीम और सिर्फ दही से बना सकते हैं। यकीन मानिए, जब एक बार आप ये लस्सी पी लेंगे तो अब अपनी पुरानी लस्सी भूल जाएंगे। डलगोना लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमें हंग कर्ड चाहिए। इसके लिए मैंने 400 ग्राम दही को मलमल के कपड़े में बांध के 2 घंटे के लिए टांग दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये घर की पिसी हुई चीनी है, आप चाहें तो दूसरी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बीट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। चीनी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आगे इसमें फ्लेवर्स भी डालने हैं। इसको विस्कर की सहायता से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, सारी चीनी मिक्स हो गई है। अब जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम एक बाउल में दही लेंगे और इसको इस मधानी की सहायता से बीट करेंगे। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अब इसे दोबारा से बीट करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको दोबारा से बीट करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और स्मूथ भी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी 5 से 6 आइस क्यूब डालेंगे ताकि इसमें झाग बन जाए, और इसको दोबारा से विस्क करेंगे। ये देखिए, ये लस्सी रेडी हो गई है और ये झाग भी बन गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये जो हमने डलगोना क्रीम बनाई थी, इसमें से 2 चम्मच अलग करेंगे। मैंगो प्यूरी बनाई है, इसमें से 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारी मैंगो डलगोना लस्सी क्रीम रेडी हो गई है। गिलास में इसको डालेंगे। इसमें ऊपर से हल्के हाथों से लस्सी ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब आपको मैंगो शेक पीने की ज़रूरत नहीं है, आप मैंगो डलगोना लस्सी पीजिए। यकीन मानिए, आपको ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं डलगोना रोज़ लस्सी बना रही हूँ। इसके लिए जो हमने ये डलगोना क्रीम तैयार की थी, इसको लेंगे, इसमें रोज़ सिरप डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो रू अफजा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम एक गिलास लेंगे, उसमें ये रोज़ क्रीम डालेंगे। अब हम इसमें हल्के हाथों से लस्सी डालेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है और लेयर्स कितने अच्छे से दिख रही है। अब हम तीसरी तरह की चॉकलेट डलगोना लस्सी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये जो क्रीम तैयार की थी हंग कर्ड की, एक बाउल में उसको डालेंगे। इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप कोको पाउडर या ड्रिंकिंग चॉकलेट भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक गिलास लेंगे, इसमें ये चॉकलेट क्रीम डालेंगे। ऊपर से हल्के हाथों से लस्सी ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लेयर्स आई है। ये देखिए, हमारी तीनों फ्लेवर की डलगोना लस्सी बनकर तैयार हो गई है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा काजू डाल देंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं।
बादाम, पिस्ता, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए डलगोना लस्सी के तीनों फ्लेवर बनकर रेडी हैं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय। बाय बाय।